सो हेलो एवरीवन, यार आज की वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है यार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर के रिव्यू के बारे में, ठीक है। तो यार बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि भैया यार इस कॉलेज का यार हमें रिव्यू ला के दे दो यार कैसे भी, ठीक है। मतलब कहाँ पे है ये कॉलेज, कितना नया कॉलेज है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यार बहुत लोगों को यार ये कॉलेज अलॉट हुआ है यूट्यूब काउंसलिंग में, और यार उत्तराखंड में स्थित है ये कॉलेज, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता इसके बारे में, यूट्यूब में भी यार बहुत कम रिव्यू हैं, ठीक है इसके। तो मैंने सोचा यार एक डिटेल रिव्यू बनाता हूँ, ठीक है, इस पर पूरी रिसर्च करके तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा इस कॉलेज के बारे में। तो यार सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये बना कब था, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट यार 2016 का है, तो नया कॉलेज है यार, काफ़ी नया कॉलेज है और यार काफ़ी डेवलपिंग कॉलेज है, ठीक है। डेवलपिंग, अब यहाँ पे मैंने डेवलपिंग शब्द का यूज़ किया, डेवलप्ड का यूज़ नहीं किया, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे पूरे रिव्यू में, ठीक है। 2016 में बना यार, यानी कि काफ़ी नया है, डेवलप्ड नहीं हुआ अभी पूरी, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है, कई लोगों के डाउट आ रहे थे कि भैया हॉस्टल है इसमें या नहीं है, तो हॉस्टल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी डेवलपिंग स्टेज पे, और यार एक डाउट आ रहा था, क्या ये फ्यूचर IIIT बन सकता है, तो यार इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं यार इसकी एक्रीडिएशन की, ठीक है। तो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होने वाला है ये, ठीक है, और यार गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट फंडेड है, स्टेट फंडेड यानी कि 85% सीट यार उत्तराखंड वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है यार ये UTU से, यानी एफिलिएशन इसकी UTU से हो रखी है। कैंपस एरिया की बात करें तो यार मात्र और मात्र 13 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। 13 एकड़ सुनने में तुम्हें छोटा लग रहा होगा यार बाकी कॉलेज कंपैरिजन में, लेकिन यार कॉलेज के हिसाब से ना बहुत होता है अगर 13 एकड़ तुम देखोगे, कि 13 एकड़ को अगर तुम असलियत में स्क्वायर फीट में देखो तो बहुत होता है, और यहाँ पे यार हॉस्टल्स वगैरह नहीं है, तो यार इस वजह से ये 13 एकड़ थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी तुम बाहर से बिल्डिंग देख सकते हो, बाहर से यार बहुत सरप्राइजिंग नहीं लग रही है बिल्डिंग, बट अंदर से यार ये लैब्स वैब्स ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें सोर्स बताऊंगा यार अभी, तुम कहाँ से इस कॉलेज के बारे में पूरा देख सकते हो, ठीक है। अब बात करें यार कनेक्टिविटी की, कि अगर तुम्हें यहाँ पे पहुँचना है तो तुम कैसे पहुँचोगे। तो पंतनगर एयरपोर्ट जो है यार वो 94 किलोमीटर दूर है, बाकी यार रेलवे स्टेशन जो टनकपुर का है वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी पास है यार रेलवे स्टेशन। बाकी टनकपुर बस स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो यार कॉलेज की लोकेशन जो इन लोगों ने बनाई है ना, काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन करी है। बाकी यार एलिजिबिलिटी और मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यार एडमिशन होता है यहाँ पे JEE के बेसिस से, ठीक है। बाकी UTU काउंसलिंग होती है यार, उससे हो सकता है। बाकी वेबसाइट में जाना है इनकी और इनको कॉल करना, पूछना अगर डायरेक्ट एडमिशन है तो, वैसे भी यार शायद ये लोग ले सकते हैं, क्योंकि कई सीटें यार खाली बच जाती हैं, ठीक है, इन कॉलेजेस में। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह सारी तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, जो AICTE की होती हैं वो सारी मिलेंगी। वीडियो ऑलरेडी बना दी है स्कॉलरशिप पे, वो देख लेना। बाकी यार स्कॉलरशिप क्या होती है वो हर कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें वो लोग खुद बता देते हैं, बस तुम्हें यार पूछना पड़ता है, ठीक है। बाकी यार एडमिशन फॉर्म का लिंक तुम्हें पता है यार, अपना YouTube काउंसलिंग चलती है, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेरी वेरी चाहिए तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, 399 फीस है उसकी। बाकी यार अगर तुम्हें वो करना है एडमिशन लेना है तो uktech.ac.in में यार तुम अपनी YouTube काउंसलिंग करवा सकते हो। ब्रांचेज यार, भैया ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, तो CS, CSAIML, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेज हैं। CS वाली जो ब्रांचेज हैं स्पेशली, इनके लिए मैं तुम्हें कहूँगा कि ले लो ये कॉलेज, ठीक है, क्योंकि यार सुनने में आ रहा है, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि आगे चल के IIIT बन सकता है, ठीक है। हर स्टेट में यार IIIT अब बन रहे हैं धीरे धीरे, तो यार उत्तराखंड में भी एक होगा, और अभी ऐसा कोई कॉलेज है नहीं यार जिसे IIIT घोषित कर सकें, तो हो सकता है ये फ्यूचर में बने। और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक और है, जो यार उत्तराखंड के CM है, CM अभी पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया यानी जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं वो खुद टनकपुर है। तो यार एक बार न्यूज़ में भी मैंने सुना था कि यहाँ पे उनने उनकी बात करी थी, ठीक है, तो अगर उनके हाथ में होगा तो यार डेफिनेटली वो खुद प्रेफर करेंगे कि वो अपने एरिया के कॉलेज को अच्छा बनाए। तो यार एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, IIIT बनने की इन फ्यूचर। बाकी यार डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ठीक है, डेवलपिंग स्टेज पर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आगे चल के यार हॉस्टल भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। और सच बताऊँ यार बाहर से बिल्डिंग शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट यार इनका जो अपना YouTube चैनल है ना, तुम YouTube में सर्च करोगे तो उसमें तुम्हें देखने को मिल जाएगा यार सारी जो लैब्स बनी है वो काफ़ी नई है और काफ़ी अच्छी हैं। बाकी बात करें यार प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट पैकेज तो यार 12 से 14 लाख रुपए तक का यहाँ पे गया है, बट एवरेज यार वही 3-4 लाख है, तो यार एक बेसिक कॉलेज से तुम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी पढ़ाई में अच्छे तो यार 5-6 लाख का तुम्हें इजीली मिल जाएगा। बाकी यार रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारी कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं, NHPC है टनकपुर में ही, NHPC है। बाकी यार प्राइवेट में होंडा वगैरह हो गई, उत्तराखंड परिवहन, यार ये सब जो है ना ये सब लोकल की है, ठीक है, NHPC है वहाँ पे, उत्तराखंड परिवहन है, तो ये सब चीज़ें यार हैं जो वो वहाँ पे रिक्रूट करती हैं। बाकी यार टाटा वगैरह में तुम्हारा हो सकता है, बाकी PWD, ठीक है। बाकी तुम यार यहाँ से अपनी डिग्री कर लो क्योंकि कम फीस है, बाद में तुम इन फ्यूचर चाहो तो यार सरकारी एग्जाम दे सकते हो या प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि यार इन कॉलेजों में सबसे अच्छी चीज़ है फीस बहुत कम होती है, ठीक है। बाकी फेस्ट फैसिलिटी की बात करें तो यार जितनी यार यहाँ पे फैसिलिटी है सारी हैं, ठीक है, लाइब्रेरी, स्टूडेंट क्लब, ठीक है, स्मार्ट ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई, कैफेटेरिया,
सारी चीजें हैं। भले ही ये यार थोड़ा ही रूरल लोकेशन में है बट चीजें हैं तुम्हें यहाँ पे सारी देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी यार मैं तुम्हें फिर से कहूंगा इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल है उसको देख लेना, ठीक है, काफी सारी चीजें उसमें तुम्हें डिटेल पता लग जाएंगी। बाकी यार सबसे अच्छी चीज है इस कॉलेज की फीस, ठीक है, फीस काफी कम होने वाली है, 55,000 पर ईयर फीस है, हॉस्टल्स में नहीं है, मेसेस में नहीं है, तो यार आराम से तुम 2.5 लाख में अपना बीटेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2.5 लाख में यार तुम्हारा बीटेक हो जाएगा, उसके बाद अगर प्लेसमेंट लगी तो अच्छा, वरना यार अपनी ग्रेजुएशन की तुम्हारी डिग्री आ जाएगी तुम्हारे हाथ में, बीटेक की एक प्रोफेशनल डिग्री, आगे चल के यार तुम गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो या कहीं प्राइवेट में भी जॉब ले सकते हो, ये काफी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब किन लोगों को लेना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। हॉस्टल में इसकी यार जैसे कि मैंने बात करी नहीं है, तो तुम्हें यार पीजी वीजी देखना पड़ेगा, बाकी हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो मैं तुमसे कह रहा था ना डेवलपिंग स्टेज में है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यार 3-4 साल में शायद बन भी जाएंगे, और जब बनेंगे यार तो नया कॉलेज है तो अच्छे बनेंगे, ठीक है। बाकी अभी यार तुम्हें पीजी वीजी में रहना पड़ेगा जो आसपास तुम्हें मिल जाएंगे। अब यार इनका क्या होता है ना, देखो पहाड़ वाला एरिया है थोड़ा, मतलब तो यार तुम जो भी बंदे हो ना थोड़े ऐसे होने चाहिए जो एडजस्ट कर ले, क्योंकि अगर तुम बहुत शहर से आओगे तो शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। अगर तुम यार उत्तराखंड के हो या किसी ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ से तुम्हें एडजस्ट करना आता है, तो ये कॉलेज तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रांच तुम्हें यहाँ पे सीएस जैसी ब्रांच कम रैंक में मिल जाएंगी, कम फीस में भी मिल जाएंगी, और यार तुम्हारा बढ़िया बीटेक हो जाएगा, ठीक है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो यार यहाँ पे मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे। नेचर यार काफ़ी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा रिमोट एरिया है तो यार हिली एरिया भी है, अच्छा है घूमने घूमने के लिए भी अच्छा है। फ्रेंड्स तुम्हें यार यहाँ पे मिल जाएंगे अच्छे खासे, पहाड़ के लोग मिल जाएंगे और वहाँ का तुम कल्चर वल्चर सीख सकते हो। बाकी यार कैंपिंग वैम्पिंग अगर करने का शौक है, ठीक है, रील वील बनाने का शौक है तो वो सब तुम यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यार थोड़ी जो कमियाँ हैं वो यार थोड़ा वहाँ पे लोकेटेड है फॉरेस्ट में, तो यार फॉरेस्ट वाले एरिया में तो कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, ठीक है, तो अपना हीट वीट लेके जाना तुम अपने साथ। बाकी यार हॉस्टल नहीं है तो यार तुम्हें पीजी खुद से देखना पड़ेगा। तो यार ऐसे कॉलेज में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो ना, तो पहले एक बार खुद से आके विजिट करना, सारी चीज़ें देख लेना क्या तुम्हारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। फीस वीस तो ऑलरेडी यार इसकी काफ़ी कम है, ठीक है, बाकी तुम स्कॉलरशिप और भी देखोगे तो यार और कम पड़ जाएगी, तो एक बार देख लेना। अगर तुम टनकपुर के लोकल हो, ठीक है, तब तो यार CSID तुम डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि कम रैंक में भी तुम्हें मिल रही है। बाकी यार वाइल्ड एनिमल्स का चांसेस है तो यार थोड़ा बच के रहना। बाकी यार इस कॉलेज के लिए अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे चल के यार अगर ये जब ये कॉलेज 2-3 साल में अच्छा हो जाएगा तो इसकी एक डिटेल्ड रिव्यू एक और लेके आएंगे। बट अभी यार बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया थोड़ा बता दो इसके बारे में, यार बहुत कंफ्यूज हैं, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो यार जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी कलेक्ट करी और तुम्हारे लिए वीडियो बना दी। बाकी यार मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इनका अपना जो यूट्यूब चैनल है वो डेफिनेटली तुम लोग देखना, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। बाकी यार तुम अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ पे तुम मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.